ये मेरे पास एक पुराना कंटेनर पड़ा था। सबसे पहले वॉल पुट्टी का एक गोल तैयार कर ले और कंटेनर पर लगाएं। हाथों पर पानी लगाकर इसको चारों ओर से प्लेन करें। फिर बबल शीट लेकर इस पर प्रेस करें। और फिर वॉल पुट्टी सूखने पर इस पर एक्रेलिक कलर करें। फिर हनी भी बनाने के लिए वीडियो में दिखाए अनुसार इस पर क्ले लगाएं। फिर ग्लू गन की मदद से इस पर हनी गिरता हुआ दिखाएं और इस पर कलर कर दें। दूसरे क्राफ्ट के लिए टिश्यू पेपर को छोटे टुकड़ों में फाड़कर पानी में 20 मिनट तक भिगोकर रखें। और एक वॉल पुट्टी का पतला सा पेस्ट तैयार करें और डिब्बे पर लगाएं। फिर टिश्यू पेपर्स को छननी में निकाल कर मिक्सी में ग्राइंड कर लें। इसमें फेविकोल और अपनी पसंद का कोई भी रंग डालकर मिक्स करें। और फिर इस पेस्ट को डिब्बे पर दिखाए अनुसार लगाएं। आप हाथ से भी इस पेस्ट को लगा सकते हैं। आप इसको सजाने के लिए छोटे छोटे मिरर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरे क्राफ्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। Thank you.
आप ये बिल्कुल आसान से क्राफ्ट घर पर बनाकर जरूर देखें और अपने घर या बगीचे को सजाएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।